इंदौर में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने के बाद शासन प्रशासन ने वैक्सीनेशन पर पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया है। जिले में शत प्रतिशत वैक्सीनेशन हो, इसके लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इंदौर में कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण को रफ्तार देने के लिए प्रशासन ने एक और ड्राइव इन वैक्सीनेशन केंद्र की शुरुआत की है। ये वैक्सीनेशन सेंटर राव विधानसभा क्षेत्र में शुरू किया गया है। वैक्सीनेशन को लेकर सरकार में अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिला और सेंटर पर पहले ही दिन बड़ी संख्या में जनता वैक्सीनेशन के लिए पहुंची है और अपने वाहनों में ही बैठकर उसने वैक्सीन लगवाई। जनता राज्य के जल संसाधन मंत्री और इंदौर के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने इस केंद्र की औपचारिक शुरुआत की। ये वैक्सीन है, ये टीकाकरण है। मैं बाकी में आज जो इस आपदा में, इस संकट में, महामारी में जो जागरूकता आपको मालूम है, देखने के हजारों की लोग लाइन में खड़े होकर पत्नी के साथ, भाई के साथ, माँ के साथ, ये इस बात का होता है कि आप जागरूकता हमारे इंदौर जब भी कोई काम करता है, अद्भुत करता है, इंदौर का प्रभाव मध्य प्रदेश राष्ट्र में पड़ता है। मैं मेरे भाई और बहनों से यही अनुरोध करता हूँ कि इस ब्रह्मास्त्र जो वैक्सीन है, खुद को बचाए, परिवार को बचाए, इंदौर को बचाए, मध्य प्रदेश को बचाए, हमारे राष्ट्र को बचाए और वैक्सीन लगाए, टीका लगाए। इसका एक ही इलाज है कि हम वैक्सीन लगाएंगे तो निश्चित है कि महामारी कभी आए भी तो इंसान की जान नहीं जाएगी। आप देख रहे हैं कि इंदौर के अंदर किस तरह का भया हुआ दृश्य था और वो मैं समझता हूँ कि मैं आज सभी जो शहरवासियों से और राव विधानसभा के सभी नागरिकों से, भाई बहनों से निवेदन करूँगा कि जो लोग यहाँ टीका लगाने आए हैं वो घर पर जाकर के अपने आसपास वाले लोगों को भेजें कि सब लोग जल्दी जल्दी टीका लगाएं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने पूरे प्रदेश में, तो ठीक है, इंदौर के अंदर मतलब जो है कई, मतलब इतने बड़े पैमाने पे उन्होंने ये अपना आपका बोलना चाहिए वैक्सीन उपलब्ध कराई है कि